हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाला मूंगफली की रेसिपी। बिल्कुल हल्दीराम स्टाइल हम मसाला मूंगफली घर में बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसको टी टाइम स्नैक के फॉर्म में सर्व कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाली है। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आपको लेनी होगी एक कढ़ाई और इसमें हमें डालना है 2 कप कच्ची मूंगफली। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको हम भूनेंगे। इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। कोई भी तेल या बटर या ऑयल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको इसी तरह से आप चलाते जाएं मीडियम फ्लेम पर। धीरे धीरे आप देखेंगे मूंगफली का कलर इस तरह से चेंज होने लगेगा और मूंगफली में आवाज़ आती है फ्रेंड जैसे जैसे ये रोस्ट होगी। और जब मूंगफली में आवाज़ होना बंद हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे, इसका कलर चेंज हो जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है। तो इस तरह से देखिए इसका छिलका भी अलग होने लगता है। तो मूंगफली यहाँ पर हमारी भुन चुकी है। इसके छिलके को हम अलग कर देंगे और इसको 2 पीसेस में इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। तो सारी मूंगफली का छिलका हमने अलग कर दिया और इसको 2 पीसेस में हमने ब्रेक कर लिया। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो हल्दीराम स्टाइल मसाला मूंगफली बनाने के लिए अगेन आपको लेना है सेम कढ़ाई और इसमें डालना है 2 चम्मच तेल। आप रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कोई भी ले सकते हैं। तेल को अच्छे से हीट करके इसमें डालना है 1/4 चम्मच हल्दी। साथ ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, तो आधी से 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स कर लें। और इसमें 1 पिंच के करीब हींग भी ऐड करेंगे। तीनों चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फटाफट से हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। मिक्स करेंगे तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले खटास के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। इसके अलावा इसमें नमक जाएगा, सफ़ेद और काला नमक। तो इसमें 1/2 चम्मच मैंने डाला है सफ़ेद नमक और 1/2 चम्मच हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। काले नमक का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इन मसाला मूंगफली में। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 चम्मच क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरे का पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर डाला। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला। इसके साथ ही हम इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाला है क्योंकि खट्टी सी ये जो मूंगफली होती है खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे लगभग 5 मिनट तक। 5 मिनट तक धीमी आंच पर आपको इन मूंगफलियों को भूनना है। वैसे तो जो मूंगफलियाँ ऑलरेडी रोस्टेड थी, पर इसको इस तरह से मसाला डालने के बाद भी भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी मूंगफली क्रंची, टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी हल्दीराम स्टाइल मसाला मूंगफली बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको ठंडा करके आप खा सकते हैं और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं आराम से, 1 हफ्ते तक स्टोर करके इंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय।